हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और हमारी जो उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम की सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको अभी हिंदी विषय पढ़ा रहा हूं, जिसमें 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। तो आप इस वीडियो सीरीज को बहुत ध्यान से पढ़िए। अब जो हमारा आज का लेक्चर है वो संबंधित है लोकोक्तियों से। मैं आपको मुहावरे पहले ही बता चुका हूँ, आज मैं आपको लगभग 50 लोकोक्तियां बताऊंगा और इसके बाद के लेक्चर में कुछ जो बची हुई 50 लोकोक्तियां हैं फिर से मैं आपको उनको बताऊंगा। यह जो लोकोक्तियां हैं यह एग्जाम पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली जो लोकोक्ति है वह है अपनी करनी पार उतरनी, मतलब जैसा करना वैसा भरना, जिसको जैसी करनी वैसी भरनी भी बोलते हैं। आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब क्या है, बेतुका मेल। अगला तीसरा है अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विद्या या थोड़ा धन पाकर बाचाल हो जाना या अपना होश खो बैठना, थोड़ी सी विद्या और थोड़ा सा धन पाकर। उसके बाद चौथा है अंधों में काणा राजा, अंधों में काणा राजा बहुत बार पूछा जा सका है, यानी अज्ञानियों में अज्ञान अल्पज्ञ की मान्यता होना, मतलब जिसको जो बिल्कुल ही अज्ञान लोग हैं उसमें थोड़ा सा एक देखने वाला हो जाए, यानी अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना। पांचवा है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, मतलब सबका अलग अलग विचार होना। अकल बड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता होना। सातवां है आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब होता है दोहरा लाभ होना। आठवां है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मतलब स्वयं की प्रशंसा करना। नौवां है आंख का अंधा गांठ का पूरा, मतलब धनी मूर्ख, अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी मूर्ख के राजा के मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय होना। ग्यारहवां है आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर लड़ाई मोल लेना। बारहवां है आगे नाथ न पीछे पगहा, पूर्ण रूप से आजाद होना। तेरहवां है अपना हाथ जगन्नाथ, अपना किया हुआ काम लाभदायक होता है। अब पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यह बहुत बार पूछा जा चुका है, अब पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी पहले सावधानी न बरतना और उसके बाद पछताना। पंद्रहवां है आगे कुआं पीछे खाई, सभी ओर से विपत्ति आना, और नहीं है सभी ओर है, सभी ओर से विपत्ति आना। सोलहवां है ऊंची दुकान फीका पकवान, मींस मात्र दिखावा। सत्रहवां है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष दूसरे के सर लगाना। अठारहवां है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, मतलब धीरे धीरे साहस बढ़ जाना। उन्नीसवां है उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना, उतर गई लोई क्या करेगा कोई, यानी इज्जत जाने पर डर कैसा। इक्कीसवां है उधो का लेना न माधो का देना, यानी किसी से कोई संबंध न रखना। बाईसवां है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, मतलब बड़ा काम लुक छिप कर नहीं होता है। तेईसवां है एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा काम। चौबीसवां है एक थैली के चट्टे बट्टे, मतलब समान प्रगति वाले। पच्चीसवां है एक म्यान में दो तलवार, एक स्थान पर दो समान गुणों या शक्ति वाले व्यक्ति एक साथ पर नहीं रह सकते हैं, यह बहुत बार पूछा जा चुका है, एक म्यान में दो तलवार। छब्बीसवां है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी एक खराब व्यक्ति सारे समाज को बदनाम कर देता है। सत्ताईसवां है एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी झगड़ा दोनों ओर से होता है। अट्ठाईसवां है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, दुष्ट व्यक्ति में और भी दुष्टता का समावेश होना। उनतीसवां है एक अनार सौ बीमार, कम वस्तु चाहने वाले अधिक। एक बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे, यह है अकर्मण्य को कोई भी नहीं रखना चाहता है। 31वां है ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। जानबूझकर प्राणों के संकट में डालने वाले प्राणों की चिंता नहीं करते, यानी अगर आपने काम शुरू कर दिया है तो फिर किस बात का डरना। 32वां है अंगूर खट्टे हैं, यानी वस्तु न मिलने पर उसमें दोष निकालना। 33वां है कहां राजा भोज कहां गंगुतेली, यानी बेमेल एकीकरण। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेतुका मेल, वैसे ही आपका क्या है, कहां राजा भोज कहां गंगुतेली, यानी बेमेल एकीकरण। 34वां है काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ व्यक्ति। 35वां है कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम से बुराई मिलना। 36वां है काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, यानी बिना काम किए बैठे बैठे खाना।
37वां है कांट की हड्डिया बार बार नहीं चढ़ती, यानी कपटी व्यवहार हमेशा नहीं किया जा सकता है। 38वां है का बरखा जब कृषि सुखाने, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। 39वां है कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना है। 40वां है खोदा पहाड़ निकली चुहिया बहुत बार आता है, कठिन परिश्रम का तुच्छ परिणाम। 41वां है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का काम करना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। 42वां है खग जाने खग की ही भाषा, समान प्रगति वाले लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं। 43वां है गंजेड़ी यार किसके दम लगाई खिसके, स्वार्थ साधने के बाद साथ छोड़ देते हैं। गंजेड़ी यार किसके दम लगाई खिसके, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, यानी ढोंग रचना। देखिए यहाँ पे हिंदी की जो लोकोक्तियाँ हैं ये बड़े रस के साथ पढ़नी चाहिए, बड़ा आनंद आता है। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी वस्तुओं का कोई महत्व नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर का भेदी लंका ढावे, घर का शत्रु अधिक खतरनाक होता है। घर खीर तो बाहर भी खीर, अपना घर संपन्न हो तो बाहर भी सम्मान मिलता है। चिराग तले अंधेरा, अपना दोष स्वयं दिखाई देना। 49वां है चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी व्यक्ति सदा सशंकित रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका। 50वां है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कंजूस होना। तो दोस्तों यह तो आज के हमारी 50 लोकोक्तियां थी, अगले लेक्चर में मैं फिर आप लोगों के लिए 50 लोकोक्तियां लेके आऊंगा। और इसी के साथ कि आप उत्तराखंड में रहकर कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी बड़े मनोयोग से कर रहे होंगे, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।